वहीं प्रदेश की बेटी ने एक बार फिर से हरियाणा का नाम रोशन किया है। दरअसल गोहाना के गांव शामड़ी की रहने वाली मोहनी ने 5 जनवरी से 8 जनवरी को हैदराबाद में हुई हिंद केसरी कुश्ती प्रतियोगिता में हिंद केसरी इस महिला बेटी का का खिताब स्वागत जीत हुआ कर है, अपना और अभिनंदन अपने का सामूहिक प्रदेश का स्वागत नाम हुआ है। रोशन अपने किया है। बता दें बेटी कि के द्वारा मोहनी हरियाणा हरियाणा पुलिस पुलिस में में सिपाही के पद धन्यवाद पर देने के कार्यरत साथ थे और मोहनी ने पुलिस में भर्ती होने पर अपनी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कुश्ती में गौरवशाली कदम रखा। उसके क्षण बाद है। वह नेशनल और इंटरनेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान भाग ले सरकार चुकी की हैं। ओर से निवेदन है जो पानीपत झांगड़ा समाज के प्रधान है, ये 5 से 8 जनवरी को हुई थी हैदराबाद में, तो मैंने हिंद केसरी का खिताब जीता है। इसमें क्या होता है कि 65+ से ऊपर चाहे कितना भी हो, चाहे 90 तक हो वजन, उसमें सारी लड़कियां आती है और सबके साथ कुश्ती होती है, और तब फाइनल में पहुंच के मैंने ये किताब अपने नाम की। आगे मैं लगातार अभ्यास करती रहूंगी और भी अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करती रहूंगी। मैं दिसंबर 2016 को हरियाणा पुलिस में भर्ती हुई थी, उसके बाद मैंने जैसे ही ट्रेनिंग खत्म की उसके बाद ही मैंने कुश्ती का अभ्यास शुरू किया। किसी खिलाफ लेके आई है, कैसा लग रहा है, क्या रहेगा? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं इसके साथ, इसकी मेहनत के साथ साथ मेरी मेहनत भी कामयाब हो रही है। जो मैंने सपना देखा था भाई, हाँ एक दिन मैं इसको इंडिया में एक नंबर की पहलवान बनाऊंगा, तो मैंने आज इसको इस मुकाम पे पहुंच के देख के बहुत खुशी हुई है। और आगे मेरा सपना है भाई, एशियन गेम जो और 2024 में जो ओलंपिक